ये देखो भाई साहब, ये है पाकिस्तानी डिश। अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर के मुल्तान तक पूरी पंजाबी कम्युनिटी थी। अच्छा, ये लो भाई साहब, आग का तड़का, आग का भड़का। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया की वो डिश दिखाने जा रहा हूँ जो आपने ना कभी देखी होगी, ना खाई होगी और ना ही सुना होगा। भाई साहब, इतनी ज़बरदस्त डिश है, अफगानिस्तान में बनाई जाती है, लोग दीवानों जैसे खाते हैं। तंग गलियां से देख लो आप, लोग प्रेजेंस भी दे रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, नेक्स्ट लेवल की दीवानगी होने वाली है। आओ फिर चलते हैं कतलम्बे वाले मामा जी के पास। हाँ जी भाई साहब, इतनी भीड़ लगा रखी, फ्री में खिला रहे हो कि सोना चांदी बांट रहे हो? प्यार बांट रहे सर, खाने के साथ प्यार बांट रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप देहरादून, पूरे देहरादून के मामा जी हैं? बस आप जो प्यार से बोलते हैं। ये नाम कैसे सोचा आपने मामा जी? ये हमारे भांजे हैं, उन्होंने मामा जी बोलते थे तो मामा जी। अच्छा, दुकान का नाम भी मामा जी रख दिया आपने, क्या बात है। और ये सुनने में आता है कि ये पाकिस्तानी डिश है, ये रियलिटी है? सर ये भारत की डिश है, अफगानिस्तान तक भारत में था। कब कब? ये आप देख लीजिए, अब 1800 में या 1600 में जी पूरा भारत था जी। और जो पंजाबी कम्युनिटी जी जी जी, अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर के मुल्तान तक पूरी पंजाबी कम्युनिटी थी। हाँ जी, ये बनवाल, पशनारी, सिंधी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझे। और बन्नू बिरादरी होगी और पश्तो बोलते थे। अच्छा, ये उनका ट्रेडिशनल फूड है सर। अच्छा, ट्रेडिशनली बिल्कुल त्यौहार बनने वाला। अच्छा, त्यौहार ये पकवान है सर। जैसे जेठालाल मतलब संडे में जलेबी फाफड़ा खाता है। हाँ, हाँ, गुजरात में इस तरह तो वैसे यहाँ पर देहरादून की संडे की स्पेशल डिश होगी बनवाल, बन्नू बिरादरी। बन्नू बिरादरी, हाँ। तो अच्छा सर, अब देहरादून की डिश होगी ये? देहरादून की डिश होगी ना, ट्रेडिशनल डिश कह सकते हैं। यस सर। है ना जी, तो क्या प्राइस रहता है सर इसका? ये सर अभी फिलहाल तो सर 70 रुपीज़ का वन पीस। कतलम्बे इसी को बोलते हैं? हाँ, कतलम्बे इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा क्रिस्पी जाता है अंदर तक। अच्छा, इसमें बहुत लेयर होती है अंदर जी, समझे। उसको बनता किस चीज़ का है? मैदा का होता है? हाँ, कुछ मैदा ही डलता है। अच्छा जी, तो मैदा के लोग इतने दीवाने कर दिए आपने ना? लेकिन तरीके का कच्चा मैदा नहीं है। कच्चा मैदा नहीं है, तो डाइजेस्ट हो जाता है पूरा बिल्कुल सर। क्या बात है जी। और इसके साथ खाने के लिए क्या देते हैं आप? ये हम चना देते हैं। चना देते हैं, मसाले वाला चना। हाँ जी, मसाले वाला चना। मसाले वाला चना कहाँ से लेते हैं ये? कोई स्पेशल बाहर से आता है कि लोकल ही रहते हैं? नहीं नहीं, लोकल चना, लोकल बनाने की स्पेशलिटी होती है, बनाने की स्पेशलिटी है। अच्छा, ये तो ये आप 7 डेज ओपन रहता है आपका? यस सर। कितने साल हो गए आपको यहाँ चलाते हुए? ये हमारे हो गए जीजाजी को 46। तो मतलब आपके जीजाजी ने शुरू करा जी, अब उसके बाद दूसरी मामा जी नाम से मिल रही है इसी जगह, इसी अड्डे में सेम। यस, क्या बात है। और खाने के लिए आप ये छोले देते हैं, चना देते हैं, सलाद देते हैं, मिर्ची वगैरह है, और साथ में हजारों साल पुरानी कोल्ड ड्रिंक। कौन सी कोल्ड ड्रिंक? हजारों साल पुरानी। क्या बात है भाई। अच्छा अच्छा, जिसे बोलते हैं। हाँ, श्री कृष्ण भगवान के समय से जो गर्मी में पी जाती थी। ये है? यस सर। दिखाएंगे एक बार? यस, बिजी बहुत है आप, ये देखिए। अच्छा, क्या बात है जी, ये रहती है छाछ, है ना। क्या डालते हैं स्पेशल इसमें? ये मसाले पड़ते हैं, हींग मसाला वगैरह। मसालों का राज है सारा कुछ, खेल लोगों को दीवाना कर रखा आपने। जी जी जी, वो मसाला बता सकते हैं कौन से हमारे यही के हैं कि आप फिर वहीं से पुराने अफगानिस्तान से मंगाते हैं? ये तो कहने की बात है, सिगरेट कुछ नहीं होता, लेकिन मसाले मसाले होते हैं, तरीका होता है बनाने का, बस और कुछ नहीं। सर फिर तरीका तो आपने किसी न किसी को तो बताया भैया। हमारे छोलों में कच्चा मसाला नहीं होता, जैसे लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज वगैरह कुछ नहीं डलता। और ये पत्तों में देते हैं, सर्व करते हैं फ्रंट ईयर पे सर? पत्ते कहाँ से लेके आते हैं? पत्ते जंगल से आते हैं, लोग बेचते हैं तो हम खरीदते हैं। अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। यस। कितने बजे उड़ते हैं फिर सुबह? सुबह मॉर्निंग में यही 4 बजे। 4 बजे फ्रेश पत्ते लेके आते होंगे सर? बिल्कुल होममेड आइटम है ये। होममेड आइटम? हाँ, हम कोई लेबर नहीं लगी हुई है, सब घर के लोग काम करते हैं। अच्छा, घर के लोग काम करते हैं। तो ये फिर आते कितने बजे शॉप पे? काट हम 7:30 बजे। 7:30 बजे आए थे ना? जी जी जी। क्लोजिंग कब करते हैं? 4:30 बजे तक। 4:30 बजे तक डेली का रहता है। और ये आपने पहाड़ बना रखा छोलों का, आप दिखाता हूँ। यही छोले हैं जी? इधर। अच्छा, उधर आ जाते हैं, क्या बात है। अच्छा, ये देखो भाई साहब, ये पहाड़ खत्म हो गया, लेट हो गया ना, ये लैंडस्लाइड कर दी सर ने। और ये सर इसमें क्या क्या डालते हैं? सब सूखे मसाले हैं। मसाले ये हम फिर बाद में, इसमें तड़का भी बाद में लगाते हैं। अच्छा, ये लो भाई साहब, आग का तड़का है जी सर, आग का भड़का। अच्छा, छोलों में लाइव तड़का लगाते रहते हैं बस। हाँ। और ये क्या रखा सर इसमें पतीले में आपने? ये हमारी इसी ग्रेवी होती है छोले की। छोले की ग्रेवी इसी में डालते हैं? हाँ हाँ जी। अच्छा जी, ये देखिए क्या बात है। तो वैसे क्या तड़का कुछ खास रहता है लहसुन प्याज के अलावा? नहीं, कुछ नहीं, मसाले नहीं, डालते कुछ नहीं, मसाले सिंपल बॉयल कर देते हैं। सिंपल बिल्कुल। अच्छा, ये तरी भी ऐड कर लेते हैं उसके बाद? हाँ, उसको तरी ऐड कर। फिर उसके बाद पत्तों में सर्व करते हैं ना? हाँ, आप इधर आइए, मैं आपका पत्ता लगाता हूँ। हाँ, लगाओ, अपने हाथों से लगाओ, स्पेशल आए हैं चंडीगढ़ से। आइए इधर। क्या बात है भाई साहब, ये भीड़ लगी रहती है, मेला लगा रहता है। हाँ जी मामा जी, मैंने कहा इतनी भीड़ तो शादियों के काट के बाहर, स्टॉल के बाहर नहीं लगी रहती, ना ठेकों के बाहर लगी रहती, आपके पास लगी रहती है सब। श्याम बाबा का आशीर्वाद सर। क्या बात है, धनिया डाल दिया आपने ना? डलता रहता है, आता आता छोले रिफिल होते रहते हैं और बंद रहता है, रिफिल होते रहते हैं। पश्तो बोलते थे ना बनवाल? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें पूरी को कदमा बोलते हैं, ये लैंग्वेज का थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है। डिश तो वही है, डिश। और कुछ आपका थोड़ा
यूनिक स्टाइल बनाने का, हाँ, वो थोड़ा सीक्रेट है। इसके मैदे के अलावा भी तो कुछ डालता होगा? जी जी, फुलावट के लिए कुछ डालते होंगे? नहीं, फर्मेंटेशन नहीं होता इसमें। फर्मेंटेशन नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर फूल कैसे जाती है? वो देखिए, फूले ही कहाँ, फूलने देते नहीं है। आपके हाथों में जादू है फिर? यही समझ लीजिए सर। क्या बात है, इसमें फर्मेंटेशन तो बता देंगे डिश। हाँ, फर्मेंटेशन बिल्कुल नहीं है जी, तो उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। ये ऐसा फूड है। अच्छा, आपने बना लिया, रहने 10 दिन के बाद भी इसे गर्म करके खा सकते हैं। गर्म करके खा सकते हैं? कैसे, तवे में गर्म कर लो। हाँ, और डालडा घी में बनता है सर, ये रिफाइंड में नहीं बनता। फिर ये ऑयल रीयूज तो नहीं करते आज का, मतलब आज का कल यूज कर लेते हैं? मतलब ये चलता रहता है, बस चलता रहता है ना, कढ़ाई में खत्म हो जाता है। कढ़ाई में खत्म हो जाता है, क्या बात है। फिर लगाइए सर, आप वैसे तो आप बिजी हैं, आपको तंग करा हमने, इतने हमारे को टाइम भी दिया अपने बिजी शेड्यूल में। ये देखिए डो इसका। अच्छा, ये डो है जी, है ना, ये घर पे बिल्कुल तैयार हो जाता है, घर से एक एक डो। अच्छा, घर से लाइव बन के आते रहते हैं डो आपके पास, है ना। ये फ्रेश खिलाने का ही वो है जो भीड़ का कारण है। यस सर, जैसे पुरानी माता बहने चूल्हे के पास बिठा के रोटी खिलाती थी ना। जी जी, तो इस फूड का वो इस समय लॉजिक काम करता है, बनाने वाला फेयर। इसका साइज भी देख लो सर, कितना बड़ा रखा हुआ आपने ना। क्या बात है, अब आप देख रहे हैं ना सर, लोगों ने चूल्हे बंद कर दिए। हाँ जी, अब स्मोकी फ्लेवर ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, कोयले जला लगा सब्जी में डाला जा रहे हैं। हाँ जी, सब पुरानी चीज वापस आई। चलो सर, पत्ते लगाते हैं। हाँ जी, लो जी, आप डिश लगाओ, पत्ते कैसे लगा के दिखा। कितने पत्ते लेते हैं आप? पहले पत्ता बनाया था, ये लीजिए, ये आपने फ्रंट ले लिया, पत्ते आगे दो। ये देखो जी सर, डीपली हल्की आंच में सिखा देते हैं, हल्की आंच में पकाते हैं वैसे ना। तो कितनी दूर दूर से खाने के लिए आए आपके पास, ये बताइए। दूर से तो ये दिखे, तो अगर लॉस वेगस में कोई रह रहा है, उसकी वाइफ देहरादून की है, तो वो ये कहता है कि पहले कदम पे खाने खाते। बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं ना। ये सर ग्रेवी चना। ये लो जी, पहले आप गर्मा गर्म छोले डाल देंगे ना। हाँ, जिसमें हमने ग्रेवी, ये चना ग्रेवी चना है, ग्रेवी के साथ चलता है डीपली, बिल्कुल ये सूखा चना साथ के साथ। लैंड स्लाइड भी कर दिया छोले। अच्छा, छोले अलग से भी डाल देंगे। सूखा चना का फ्लेवर अलग है सर। अच्छा जी, ये हो गया सैलड। ये सैलड आ गया जी, ऑनियन आ गए, ये भी फ्रेश रहते हैं ये। हाँ, और देखिए ये सर मेन लाल मिर्च। लाल मिर्च, हाँ बिल्कुल, लाइव तोड़ के डालना। अच्छा, तोड़ के डालेंगे, खस्ता बना रखी है आपने इसको फ्राई करके ना। ये सर, और ये हो गया पिकल। पिकल आ गया, क्या ये आगे भी मसाले वाली मिर्ची भाई। ओ भाई साहब, और फिर हम तो सर इसको थोड़ा सा ऐड कर दिया हमने हल्का मसाला। कौन सा मसाला ये? फिर भी कुछ तो डलता होगा। बनाते हैं कि बनवाना लेते हैं? पिसावा लेते हैं, बनाते हैं, मिला देते हैं। अच्छा, ये नींबू ऐड कर देता। ये नींबू ऐड कर दिया। हाँ जी, ये लीजिए, आपके छोले तैयार हो गए सर। अच्छा, छोले तैयार कर दिए भाई साहब हमारे। ये देखिए कदम बनना आपका, ये तो लंबा बन रहा है, साथ के साथ लाइव बना के देंगे। बिल्कुल लाइव बना के दे रहे हैं ना। ये देखिए हल्की आंच करी, ये लो जी आपके लिए तैयार हो रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मक्खन की टिक्की डाल दी आपने इसमें कढ़ाई में। और इतना हम आपके लिए छाछ सर्व कर देते हैं। ये आप कह रहे देसी कोल्ड ड्रिंक सर, मेडिसिन है सर लीवर के लिए। हाँ, ये खाने के बाद इसको पी लो, अपने आप ही डाइजेस्ट हो जाएगा। ये खाने के बाद क्या, आदमी को छाछ वगैरह का सेवन करते रहना चाहिए। जैसे डोरेमोन देखते हैं बच्चे ना, डोरा केक्स लग रहे हैं आपके डो। क्या बात है, भीड़ लगी रहती है, गवाही दे रही है कि ये मामा जी का तलंबू वाले के हाथों में जादू है। और खास है कुछ डिश है ना, क्वालिटी मेंटेन ना करते, क्वालिटी मेंटेन। और दूसरी बात, प्यार से खिलाना चाहिए, प्यार से खिलाना चाहिए। क्या मेरा सोचा, जो भी खाना है उसको हम प्यार से खिलाएं। हाँ जी, ये कितने मिनट लेते हैं सर फ्राई करते हैं इसको? एक से दो मिनट, एक या डेढ़ मिनट। एक डेढ़ मिनट, ये बन गया आपका बस? ये लो जी, बन गया, तैयार हो गया। ये थोड़ा सा आपका और क्रिस्पी कर देते हैं। ये लीजिए, ये लो जी, ये लो जी सर। क्या बात है भाई साहब, ये लो जी क्रिस्पी, क्रंची की आवाज आ रही होगी, क्रंच देखो। अच्छा, ये भी पत्ते में सर्व करते हैं हम? जी सब कुछ हाइजीनिक है फुल सर, कोई प्लेट खाली गिलास यूज नहीं होता। प्लेट लगी हमारी भाई साहब, ये देख लो ढेर सर। ये कितना टाइम लगता है खत्म होने में? कितना टाइम लगता है एक बंदे को खाने में? वो तो आपकी कैपेसिटी है सर, 10 मिनट 5 मिनट। तो सर रिव्यू करते हैं एक बार, खा के देखते हैं, टेस्ट करते हैं, जो इतनी भीड़ दीवानापन है देहरादून में आपकी शॉप पर, वो किस कारण है ना। ये देखो भाई साहब, ये है पाकिस्तानी डिश। आखिरकार हम पहुंच गए मामा जी कतलंबे वालों के पास, देहरादून पहुंचे, बहुत ही तंग गलियों से निकले। ये अफगानिस्तान की प्रचलित फेमस डिश है भाई साहब, लोगों की भीड़ तो आपने देख ली होगी। आपको दिखाना चाहता हूँ खाने के लिए क्या क्या मिलता है, आओ इधर आओ। देखो ये देखो भाई साहब, ये ब्रेड सी होती पूरी सी, और इसके साथ ये अचार दे देते हैं, छोले देते हैं तड़के वाले, आपको दिखाए थे, लैंडस्लाइड स्पेशल कराए थे हमने। ये ऑनियन दे दिया है, ये देखो मिर्ची दे दी, लाल मिर्च होती क्रंच करके दी थी। और भाई साहब एक बार टेस्ट करते हैं उनको, देखो ग्रेवी भी है विद छोले भी है भाई साहब, हैं क्या बात है। दिखने में ये ब्रेड लग रही है, पूरी लग रही है, फर्मेंटेशन नहीं करते इसका, बट जो खाने में इसका जायका ना भाई साहब, पता लग गया, जो हम इतनी दूर से चंडीगढ़ से यहाँ पर आए थे ना देहरादून में, अलग ही स्वाद है भाई। चलो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल में बने रहो, नवी नवी वीडियोस लेके आता रहूँगा भाई साहब, लगा रहेगा ये सिलसिला। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सर आपने हमारे को टाइम दिया था ना बिजी शेड्यूल में,
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा नेचर है। सभी लोगों से जो व्यू देखे एक बार कदमबा ट्राई जरूर करें। क्या बात है, थैंक यू सर, वेलकम सर।